दोस्तों यह बावड़ी जो है वो दौसा ज़िले के अंदर बनी हुई है, दौसा ज़िले के भांडारेज नामक गांव में बनी हुई है और इसे भांडारेज की बावड़ी भी कहते हैं। दौसा जिले से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित है ये भांडारेज गांव, और भांडारेज गांव में ही बनी हुई है ये भांडारेज की बावड़ी, जिसे बड़ी बावड़ी के नाम से जाना जाता है। हेलो दोस्तों, मैं डीपी पारीक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज अपने आए हैं राजस्थान के दौसा जिले में, और राजस्थान के दौसा जिले में तीन प्रसिद्ध बावड़ियाँ जो है बनी हुई हैं, जिसके अंदर एक बावड़ी विश्व प्रसिद्ध जो कि चांद बावड़ी है, उसका वीडियो अपने यूट्यूब पर डाल चुके हैं, और दूसरी ये भांडारेज गांव में है, और एक बावड़ी अलूदा नामक गांव में बनी हुई है। यहाँ के एक तो ये लोग कह रहे हैं कि ये बावड़ी पूरी एक रात में बनी और जिंदों ने इसको बनाया, वैसे सुना है हमने। सही है कि अब ये तो पता किसको है? ये जो सुरंग बन रही है ये कहाँ पे जाती है? ये बोलते हैं मैं वहाँ जा रही हूँ आवाली चांद बावड़ी तक। चांद बावड़ी तक तो यहाँ में कोई गया है क्या आज तक? पता नहीं, हम तो देखा नहीं जाते हुए। दोस्तों ये सुरंग बनी हुई है, और यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार यह यहाँ से करीबन 30 से 35 किलोमीटर दूर स्थित चांद बावड़ी अब बनेरी की, जो कि दौसा जिले में पड़ती है, वहाँ तक जाती है। और आप देखेंगे कि बिल्कुल है तो ये सुरंग ही। जी हाँ, नीचे से जा रही है पूरी आगे तक बनी हुई है, लेकिन कहते हैं कि इसके अंदर कोई जाता नहीं है। तो ये जो बारात वाली जो घटना हुई है, इसको कितने साल हो गए? इसको तो काफी साल हो गए, लेकिन भाई ये बारात वाली घटना तो हमारे पापा जी बता सकते हो। नहीं, अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बताते हैं ये बात की, ये घटना हुई थी। पूरी बारात इसके अंदर से लेके वापस लौट के लिए, और करीबन ये 1000 से 1200 वर्ष पुरानी बावड़ी है। इससे ज्यादा है। चारों ओर इसके चौकोर सुंदर बरामदा बना हुआ है। तो ये दौसा जिले में चार बावड़ी आपने बताई, और चारों बावड़ी जो हैं वो आपस में सुरंगों की सहायता से जुड़ी हुई है। तो ये चारों ही मतलब को फिर कोई यहाँ के राजा महाराजा होंगे, उन्होंने बनाई है। तीन बार नाम रखा हुआ है ये था, शुरू में पहले चंपावती, फिर ये भद्रावती, और अब ये भांडारेज। और दूसरी जो सुरंग है वो यहाँ बनी हुई है बिल्कुल बरामदे के सामने। ये भी आप देखेंगे कि बिल्कुल ये नीचे गहराई तक जा रही है ये सुरंग बनी हुई। दोस्तों यहाँ कोई नहीं जाता है, कहते हैं कि इसके अंदर एक बार कोई बारात गई थी, उसके बाद में से यहाँ से कोई नहीं निकलता है। काफी गहरी है, और ये 30 से 35 किलोमीटर लंबी बनी हुई है। तो ये जो सुरंग है वो ये जो बरामदा है इसके अंदर ही बनी हुई।
बावड़ी जो है वो भांडारेज की बावड़ी कहलाती है और इसे बड़ी बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस बावड़ी के चारों ओर चौकोर बरामदा बना हुआ है और ऊपर की ओर आप जो देख रहे हैं ये ऊपर का ये बिल्कुल महल टाइप का एक बरामदा बना हुआ है और स्थानीय लोगों के अनुसार इस बावड़ी का निर्माण जिंदों ने करवाया था और यह बावड़ी देखने में बहुत खूबसूरत बनी हुई है। कलात्मक दृष्टि से भी इसके अंदर अनेक चित्रों को उकेरा गया है और यहाँ की गुफाएं सुरंगें जो हैं वो बिल्कुल देखने लायक है। ये इसका धरातल है और जमीन से इसकी ऊंचाई जो है वो आप अनुमान लगा सकते हैं। ये सामने इसका कुआं बना। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद साथियों। भांडारेज की इस बावड़ी का निर्माण यहाँ के कुंभवाणी शासकों दीप सिंह कुंभवाणी और दौलत सिंह कुंभवाणी के द्वारा विक्रम संवत 1789 अर्थात 1732 ईस्वी में करवाया गया था और इस बावड़ी के बाहर एक शिलालेख भी लगा हुआ है जिसमें नंदा दरोगा का नाम भी उल्लेख है। भांडारेज की इस बावड़ी को बड़ी बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है और यह बावड़ी राजस्थान की प्राचीन शिल्प कला का एक सुंदर उदाहरण है और स्थानीय कपोल कल्पना के अनुसार इसे प्रेत आत्माओं ने अर्धरात्रि के समय बनवाया था। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ रात में जाना बिल्कुल मना है। उनके अनुसार यहाँ रात में 12 बजे के बाद में कोई नहीं जाता है। कहते हैं कि कई बार कुछ लोगों ने यहाँ प्रयास किया लेकिन उनके साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो गई। फिर इसके बाद में इस बावड़ी को अब शाम होते ही बंद कर दिया जाता है और रात्रि के समय यहाँ कोई नहीं रुकता है। दोस्तों इस बावड़ी के ऊपर सुंदर शिल्पकला की गई है और बावड़ी जो है वो चारों ओर से एक सुंदर बरामदे से घिरी हुई है। दौसा ज़िले की यह बावड़ी अन्य बावड़ियों से बिल्कुल अलग है। यह बावड़ी जो है वो कुछ चीज़ों के लिए विशिष्ट है। दोस्तों इसके अंदर दो विशिष्ट गुफाएं बनी हुई हैं। इसकी चित्रकला बिल्कुल अलग है और इसकी गहराई 100 फीट से भी ज़्यादा गहरी है और इसकी चौड़ाई भी करीबन 150 फीट है और इसकी लंबाई करीबन 500 से 600 फीट है और इसके कुएं की गहराई जो है वो करीबन 150 फीट से अधिक है और दोनों तरफ इसके आमने सामने लंबे ऊंचे बरामदे बने हुए हैं और चारों कोनों पर चार सुंदर छतरियां जो हैं वो बनी हुई है। इसके अंदर जब भी आप जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ आने के लिए कोई टिकट नहीं देना पड़ेगा और आप दिन के समय यहाँ कभी भी आ सकते हैं। दोस्तों भांडारेज की इस बावड़ी का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।